हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत हमारे YouTube चैनल में। जो कक्षा 10वीं और जो कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री आए हैं उनका एडमिट कार्ड 28 जून को आएगा। इसके ऊपर तो मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। अभी मैं बात करने वाला हूँ कि आपको एग्ज़ाम कैसे देना है, कैसे आपको तैयारी करना है। क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड किया, आपका कमेंट आने लग गया कि सर मैं फिजिक्स में सब दिया, मैं केमिस्ट्री में, मैं बायो में, तैयारी कैसे करूँ सर। सप्ली वालों को ITI कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, जो सप्ली आए हैं वो सप्ली आए हैं 12वीं में, क्या BSc कर सकते हैं, BA कर सकते हैं या नहीं, BCom का फॉर्म भर सकते हैं, ढेर सारे यार आपके बहुत सारे सवाल है। तो सभी सवाल का उत्तर आज इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आप टेंशन मत लो यार, ठीक है ना। सबका सॉल्यूशन है, सब सप्ली में सब पास होंगे, कोई डाउट मत लो। सभी कॉलेज में सेलेक्ट होंगे तो उसको कोई टेंशन नहीं है। मैं बता दूं, जो सप्ली आए हैं उसको पेपर की तैयारी करने का एक ही फंडा है, वो फंडा है दोस्तों आपका जो मेन बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था तो उस क्वेश्चन को एक बार आप प्लीज रिवीजन कीजिए। हो सकता है वही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके सप्ली एग्जाम में भी उठा के रख दिए जाए, जिसे दोस्तों आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और यदि मेन एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो आपके सप्ली एग्जाम में नहीं आया तो आपको कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। देखो, जो मेन एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उस किस प्रकार से क्वेश्चन आया था, जैसे आवेश चैप्टर से, चार्ज चैप्टर से क्वेश्चन आया, तो उस चैप्टर को एक दो क्वेश्चन और उसी टाइप से पढ़ लो। हो सकता है वो क्वेश्चन आपको दे दे, मतलब जिस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम के मेन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, उसी पैटर्न से उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जिस भी चैप्टर से क्वेश्चन आया था मेन बोर्ड एग्जाम में, उस चैप्टर के दो या तीन जो MP क्वेश्चन आपको लग रहे हैं उसी क्वेश्चन को आप बस पढ़ लीजिए थोड़ा सा। सप्ली में दोस्तों अधिकतर देखा गया कि सभी को स्टूडेंट को पास कर देते हैं, लेकिन दोस्तों जो खाली पेपर छोड़ के आएगा उसको पास नहीं करेगा। कम से कम पूरा पेपर को आपको लिखना होगा। जो भी प्रश्न है दोस्तों, आप गलत लिखो चाहे सही, लेकिन कुछ ना कुछ लिख के जरूर आओ, तभी दोस्तों आपको पास किया जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, मेन एग्जाम में जो आया था उसको एक बार रिविजन कर लो, और मेन एग्जाम में जो आया था उसी प्रकार से थोड़े और प्रश्न 10-20 और एक्स्ट्रा सॉल्व कर लो। और हाँ, याद रखना, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, अदरवाइज फिर से आप फेल हो जाओगे। और जो एक विषय में जो सप्ली आया है ना दोस्तों, उसको दोबारा और पेपर दिलाने का मौका नहीं मिला, दोबारा फिर पढ़ना पड़ेगा उसको। ऐसे बहुत सारे रूल आ गए हैं कि और दिला सकते हो, लेकिन आप एक ही बार में तोड़ के आओ, फोड़ के आओ। अब बात करते हैं, जो सप्ली आए हैं आखिर वो पास हो जाते तो क्या वो BA कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं? क्या 10वीं वाले जो सप्ली आए हैं 10वीं के बाद ITI कर सकते हैं? 12वीं में जो सप्ली आए हैं सप्ली में पास होने के बाद क्या वो ITI में एडमिशन ले सकते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों बेझिझक यार आप ITI में, BA, BCom, BSc सभी यूनिवर्सिटी में, सभी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब बात करते हैं, सरकारी कॉलेज में क्या आपको एडमिशन मिलेगा? तो सरकारी कॉलेज में तो नहीं मिल सकता, क्योंकि सरकारी कॉलेज का फॉर्म दोस्तों अभी रिसेंटली आया है, जो कि दोस्तों 1 जुलाई को एंड हो जाएगा, तब तो वहाँ पर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइवेट कॉलेज में दोस्तों फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। आप प्राइवेट कॉलेज में ITI कर सकते हो सप्ली एग्जाम में पास होकर, प्राइवेट कॉलेज में आप BA कर सकते हो, BCom कर सकते हो, BSc कर सकते हो। लेकिन सरकारी कॉलेज में दोस्तों आपका एडमिशन तो इस बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि फॉर्म आ चुका है और एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और अभी आपको एग्जाम भी नहीं हुआ सप्ली का, और एग्जाम होगा उसके बाद दोस्तों रिजल्ट आने में करीब 1-1.5 महीने का समय लगेगा। तब तो पूरा प्रोसीजर सरकारी एग्जाम, जो भी सरकारी कॉलेज का जो भी प्रोसीजर है, जो भी एडमिशन फॉर्म है, सब क्लोज हो जाया रहेगा। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना, और नेक्स्ट ईयर से आप फिर से दोस्तों सरकारी कॉलेज में अपने एडमिशन ट्रांसफर कर लेना। तो ये रहा पूरा रूल्स। कोई भी जानकारी अभी आपका बच गया होगा स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स पर प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपको कोई भी टेंशन तनाव नहीं लेना है, आप पूरा पेपर भर के और सप्ली में सब पास हो जाएंगे, टेंशन मत लो। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हो सकता है तो अपने दोस्तों को भेजो, बाजू वाले घंटी को तोड़ दो, फोड़ दो। लाइक रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, लाइक कंटिन्यू आना चाहिए।